आज आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह से, इंशाल्लाह ताला। आज हम बिरयानी के एक रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो ये हम इसमें सबसे पहले हम ये हमारे पास गोश्त है 1.5 किलो के करीब ना, और ये 1.5 पाव के करीब ये दही है, और हम इसमें इसे डाल के मिक्स करेंगे सारे दही। इसमें हम इसी भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दही से हम ये बिरयानी बनाएंगे। तो हमने इसको इसमें डाल दिया, पहले दही डाला है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि एक बाउल पूरा भरा हुआ था छोटा वाला, और इसके साथ हम ये वाली प्याज डालेंगे, और कच्ची प्याज हमने काट के रखी थी, और ये कच्ची प्याज डाल के फिर हम ये फ्राई प्याज भी डाल देंगे इसके अंदर ना, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम मसाले मिक्स करेंगे इसके अंदर। ये हमने लिया है हाँ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून है ये गरम मसाला हमारे पास, और ये हल्दी 1/2 टीस्पून है, और ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, और ये नमक है हमारे पास कम से कम 1.5 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, और ये हमारे पास मिर्च है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स करके और इसको फिर हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको बताते हैं। फिर हमने इसके अंदर हम ये जरा ये भी डालेंगे, हरा पुदीना डालेंगे, और पूरा हरा पुदीना एक गट्टी के बराबर, और इसके अंदर हम हरा धनिया है ये, और ये हरा पुदीना, ये चीज़ें डाल के मिक्स करके हम इसको तैयार करके आपको बताते हैं जी। ये देखिए, अब मैंने ये सारा मसाला ऐड कर लिया है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर मैं सिरका डालूँगी, सारा सिरका डाल के फिर मैं इसे चूल्हे पे चढ़ा दूँगी मिक्स करके, सिरके को मिक्स करूँगी, और चूल्हे पे इसी पानी में ये गलेगा, और फिर उसके बाद इसका जब फ्राई सा हो जाएगा तो फिर मैं चावल में इसे मिक्स करूँगी। ये देखिए, ये हमने चावल बॉईल कर लिए थे, और इसकी हमने एक कनी को उतार लिया था अब, और ये एक लेयर बिछा दिया है, और इस पर भी हमने जर्दे का रंग डाला है। अब ये हम जो है दम के लिए इसको असेंबल कर रहे हैं, एक लेयर चावलों की, और फिर ये हम मसाला डाल देंगे सारा चिकन का, ये मसाला डाल के, और फिर ये जो दूसरी लेयर है चावलों की, फिर ये हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमारे चावल ज़्यादा है ना, हमने हाँ 2 किलो गोश्त और 2 किलो चावल लिए, तो इस तरह से हम बना रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हाँ, ये जो लेयर है हम मिक्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पहली लेयर बिछा के हमने मिक्स कर लिया है, ताकि दाने दाने में जायका आ जाए। अब वो दूसरी लेयर डाल दो चावल की। हम ये चावल पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें पता नहीं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, चावल का लग रहा है कि इतना अच्छा आएगा नहीं। अब ये दोबारा डाल दो सारे चावल, ये ऊपर से डालने में। अच्छा देखिए, फिर दोबारा से हमने एक मसाले की लेयर डाली है, और अब हम ये डाल रहे हैं चावल, ये पूरे इकट्ठे ही डालने। ये जब लेयर्स अच्छे से सेट हो जाएगी तो फिर हम ऊपर से इसमें कलर डाल के जर्दे का, और फिर दम के लिए रख देंगे, और फिर आपको दिखाएंगे दम के बाद हमारी बिरयानी मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी है तैयार होकर बनाना। लेकिन चावल का कोई पता नहीं है ना। हाँ, वो तो इंशाल्लाह सही जाएगा, कोई मसला नहीं। फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह जाने सही है। आपको पता ही बिरयानी में ये होता है कि हाँ, कुछ दुकानें खुली मिल जाती हैं, कुछ नहीं, जहाँ से हम चावल मंगाते हैं उसकी शॉप बंद थी, इसलिए हमने नए चावल पर आज बिरयानी ट्राई की। ये हमारी जो बचा हुआ मसाला था ये हमने डाल दिया इसके साथ, और
या अब कलर डाल के पता बंद कर। अब हम इसमें जाफरानी रंग डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बस हर जगह स्प्रिंकल कर दें तो ये अच्छा सारे चावलों में भरपूर तौर पे आ जाएगा दम के वक्त। चलिए अब हम इसको दम पे रख रहे हैं, फिर अब हम आपको दम करके फिर सैंपल करके दिखाएंगे। हरी देखें हमारी बिरयानी तैयार हो गई और हमने दम पे करने के बाद और डिश आउट कर लिया है इसको। ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी से बनाने बिरयानी को बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी से बिरयानी बनाकर कैसा लगा। और ये साथ ही हमने दही का रायता बनाया है और आप हम इसको सर्व करेंगे गरम गरम और मज़े ले लेके खाएंगे। और आप लोग भी अपने घर में बना के और इन्जॉय कीजिएगा और हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी से बनाने के बाद आपको बिरयानी कैसी लगी। और आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।